बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान धाम धनी प्राण पिया राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी करे विजयाभिनंद जाहिर, बुद्ध जागृत अवतार, कलंक मेट नेह कलंक करे अखंड किया संसार। ऐसे हमारे धाम धनी जी की महिमा, ये प्रसंग आज हमारे ये चौपाइयां, ये प्रसंग तो बहुत टाइम के बाद आएगा, पर ये प्यारी प्यारी चौपाइयां आज श्री बीतक साहब में आने वाली है। और 71वां दिन हो गया सुंदर साथ जी, कितनी पेशेंस आप प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन हमारे सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी जी। आप स्पॉट लाइटिंग की सेवा कीजिएगा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुनीता जी, सभी चरणों में प्रणाम जी। शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, अरज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अरज करो दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी रखो, इश्क दीजो मोहे चातुरी
इलाम चातुरी खूबी अंध के मोहे एही पट लिखे आम को मांगत हूँ मेरे दुल्हा मोहे सेवा प्यारी मांगत हूँ मेरे दुल्हा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। नाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुनीता दीदी, अति सुंदर, अति मधुर, इतना प्यारा दिल से निकला हुआ
मांगत हूँ मेरे दुल्हा, और फेर 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 इश्क ही मांगना है उनसे। अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट रणी जी, धनी जी आपको भेजते रहा करें बार बार बारंबार हम सबको। बस यही है उनसे, बस एक यही रह गया, वो चरणों में लगाए रखे बस, और कुछ बिल्कुल चाहिए फिर नहीं। हम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं प्रणाम जी। श्री बीतक साहब, तो आपको याद है ना सुंदर साथ जी कौन सा प्रसंग चल रहा था? सबसे पहले चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित अरे के, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ की, भया चर्चा का वक्त दे। तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, आज तीनों सृष्टियों के बारे में श्री बीतक साहब में बताने जा रहे हैं, और बताने ये जा रहे हैं कि हम कितनी खासल खास सृष्टि हैं। सुंदर साहब जी, तीन सृष्टि नाम से प्रकरण ही बना दिया गया श्री बीतक साहब में। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधों में तामे संयों पे पहचान। हिंदू धर्म ग्रंथों में तीन सृष्टियों का वर्णन हम सब जानते हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। आम खास और खासल खास इसको कहा कतेब ग्रंथ में, संतों की वाणियों में क्या कहा गया, और तीनों बानी साधो में, संतों की वाणियों में कहा गया बगुला हंस और परमहंस। अब इसका वास्तविक बोध तो हमें ही बताया गया श्री मुखवाणी में। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, एक जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों के जुदे जुदे मकाम। आम खास खासल खास कहीं बीच निज धाम। खासल खास जो है ना वो अपने निज धाम में रहती है। वैसे तो सबका अपना निज धाम होता है, यानी कि अपना अपना धाम सबका होता है। और जीव सृष्टि का घर कौन सा होता है सुंदर साहब जी? बैकुंठ। यदि बहुत प्यारे कर्म करके थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, स्वर्ग बैकुंठ तक पहुंच होती है, उसके आगे नहीं जा सकते। उनको क्या कहते हैं? मलकूत। नासूत इस दुनिया को कहते हैं, मलकूत बैकुंठ को कहते हैं। और ईश्वरी सृष्टि का घर कहाँ होता है सुंदर साहब जी? वो होता है बेहद मंडल में, यानी योग माया में, यानी कि सत्स्वरूप में वो जाएंगी, उनका स्थान वहां पर है। वो होता है, उसको कहते हैं जबरूत, योग माया यानी जबरूत। और ब्रह्म सृष्टि वो तो लाहूत से आई है, और लाहूत यानी के अर्शे अजीम यानी के परम धाम। और लाहूत में भी होता है हाहूत। हाहूत किसको कहते हैं सुंदर साहब जी? मूल मिलावा, इन पर्टिकुलर जहां पे आज बैठे हुए हैं उनको कहते हैं हाहूत। सुंदर साहब जी, सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए महमद दिया पैगाम, ल्याए कुंजी ईसा रू अल्लाह, दई सो हाथ इमाम। अब हम किसकी ब्रह्म सृष्टि हैं सुंदर साहब जी? हम किसकी सृष्टि हैं? हम अपने ब्रह्म की सृष्टि हैं, हम पूर्ण ब्रह्म की सृष्टि हैं, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं। उनके अंग संग रहती हैं, हम उनके अंग संग रहती हैं, और वो हमारे भी अंग संग रहते हैं सुंदर साहब जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम जो हैं वो हमारे लिए तो पैगाम लेकर आए, जाए महमद दिया पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, पूरी न्यूज़ लेटर लेकर आए सुंदर साहब जी। ऐसे थोड़ी एक प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे जाना हो तो पहले से सारी अखबारों में सारे न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है कि आने वाले हैं।
तो हमारे आने से पहले भी कितना सुंदर न्यूज़लेटर भेजा गया, कितनी सुंदर जोश की वाणी भेजी गई सुंदर साथ जी। इस उनमें से ही कुरान बहुत स्पेशल, क्यों? वो जोश की वाणी ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म की आत्म को साथ में भेजा गया है। इसलिए सबसे ज्यादा जो पहचान है श्री तारतम वाणी नहीं। श्री तारतम वाणी के आने पर तो सारे ही रद्द हो गए, पर उनके आने से पहले सबसे ज्यादा अर्शी अजीम की जो पहचान दी गई, परम धाम की पहचान जो दी गई, वो कुरान में दी गई सुंदर साथ जी। ल्याए कुंजी ईसा रू अल्लाह, धनी श्री देवचंद्र जी तारतम की कुंजी लेकर आए, और वो भी ऐसी कुंजी जो ताले के अंदर, हृदय के ताले के अंदर जाती है, उसको टच करती है हृदय को और निवेदन करती है कि अब आप खुल जाइए। सारे दिलों के ताले खुल जाया करते हैं, सारे वेद वेद कतेब धर्म ग्रंथ सबके ताले खुल जाया करते हैं। हथौड़े की तरह प्रहार नहीं करती, कुंजी की तरह धीरे से छू कर सुंदर साथ जी सारे भेद खोल देती है। ऐसी कुंजी श्री तारतम वाणी की, सारे भेद उजागर करने के लिए दई सो हाथ इमाम। अब ये जो कला है ना, कुंजी तो वो लेकर आए हमारे ईसा रू अल्लाह, हमारी श्यामा जी। दूसरे जामे में भी श्यामा जी, दोए जामे पहरसी, दूसरे जामे में भी श्यामा जी हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप दोनों की बैठक है, राजी और श्यामा जी। तो कला जो दी उस कुंजी को, कुंजी तो दे दी सुंदर साथ जी। अब कला की बिना ताले को तोड़े, बिना उसको चोट पहुंचाए, किस प्रकार अंदर जाकर छूना है और इनको खोल देना है, और फिर इतना प्रेम उस ताले के खुलने से, वो जो ताले में होल होता है ना सुंदर साथ जी, जैसे ही खुलेगा उस होल में से प्रेम का फव्वारा फूटेगा। तो ये सारी कला जो है ना, ये किनके हाथ में दी? हमारी इंद्रावती जी के हाथ में दे दी, और उन्होंने आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा श्री प्राणनाथ जी के हाथों में सौंप दिया गया, और उनको ये सारी उपमा मिली अक्षरातीत की, श्री जी साहिब जी की। करे विजयाभिनंद जाहिर, सुंदर साथ जी कितनी प्राउड की बात है ये, विजयाभिनंद जाहिर, ये विजय जिसका अभिनंदन करे। हमने पहले भी पढ़ा था विजयाभिनंद का अर्थ क्या होता है, विजय जिसका अभिनंदन करे। बुद्ध जागृत अवतार, कलंक मेट, सारे शकों को हटा देगी, सारे संशय को, कोई भी जो अधूरापन रह गया था जो ज्ञान में, वो सारे कलंक मेट, नह कलंक करे, सारे कलंक मिटाकर निष्कलंक, नह कलंक करे, अखंड किया संसार, और संसार को अखंड मुक्ति भी इसी से प्रदान की जाएगी सुंदर साहब जी। आज तक तो किसी को पता भी नहीं था कि परम धाम कैसा, नाम ही नहीं सुना था सुंदर साहब जी, तो सोचेंगे क्या कि कैसा है धाम, कैसा लीला, कैसी क्या होता है वहां पे, किसी ने नाम भी नहीं सुना था। केवल उसकी तरफ एक इशारा मात्र किया जाता था। हमने सुना था श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कि वेद हर ब्रह्मांड में पहले भी आते रहे हैं, इस 28वें कलयुग में भी वेद फिर से आए हैं, पर वो हर बार आते रहे हैं सुंदर साथ जी। और जोश का फरिश्ता जबराइल इस बार तो आया ही आया, इस बार तो साथ में ही रहा है, पर हर बार अखंड की ओर मात्र इशारा करने के लिए आता जरूर है। पार ब्रह्म सुंदर साथ जी किसी को वो छोड़ते नहीं है, इशारा जरूर देता है पर कोई पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के चरण यहाँ कभी पड़े ही नहीं, राज्जी के आवेश स्वरूप के चरण कमल कभी इस धरती पर, इस काल माया के ब्रह्मांड में कभी पड़े ही नहीं, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं लगा। तारतम वाणी कभी नहीं आई सुंदर साथ जी, जोश का फरिश्ता आया है, वेद आए हैं, पर श्री तारतम वाणी के चरण यहाँ पर कभी नहीं पड़े। तारतम वाणी स्वयं कभी यहाँ अवतरित नहीं हुई, तो उनके आने से सबको लीला धाम सारे, कौन से सागर कहाँ कहाँ, सारा बोध हो गया। पर लेगा कौन? केवल और केवल जिसका ये घर है ना सुंदर साथ जी, उसके अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अंदर की बातों को पकड़ सके।
या तो नींद आने लग जाती है, या फिर थकान होने लग जाती है, या दर्द होने लग जाती है, कुछ ना कुछ करके तो उसको उठा दिया जाता है सुंदर साथ जी। क्योंकि जैसे ही धनी के दिल की बात शुरू होती है ना, तो उमा सो जाती है। अभी तो वो दिल की बात नहीं थी, माहेश्वर तंत्र थे वो, पर उमा को नींद आ जाती है। पात्र सुपात्र जो होता है ना, केवल उसके अंदर ही ये बातें जाया करती हैं। ना तो धनी, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, हमारे नजदीक तो पिया किसी को आने देते ही नहीं है, ये तो हमने ब्रज से देख लिया, सारी लीलाओं से देख लिया, पर अपने पास भी नहीं आने देते हैं, उनको सुला देते हैं। जो जीव सृष्टि होती है उसको सुला दिया जाता है कि मेरे हृदय की बातें मेरी ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई और नहीं सुनेगा, मैं किसी को सुनने नहीं दूंगा। यदि इन इंस्ट्रूमेंट से सुन भी लिया तो अंदर नहीं जा पाएगी सुंदर साथ जी। अंदर पिया के दिल के गहरे भेद केवल ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही समा पाएंगे। एक साहिब वेद कतेब में, वेद में हो या कतेब में, सुंदर साथ जी हमारे लिए कोई भी अलग नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे सिख भाइयों के हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम में हो, हमारे लिए सब बराबर। हमारे प्राणनाथ जी ने ये सिखाया है कि वेद हो, कतेब हो, जीसस की बात हो, कोई भी बात हो, वाहेगुरु जी की बात हो, सारी बातों में नाम किसका लिया गया है, सब धर्मों का एकीकरण करके ये प्राणनाथ जी की वाणी सिखाती है कि वो साहिब केवल एक है। एक साहिब वेद कतेब में, सब तिनकी लिखी मजकूर, उन्हीं की बातें सारी जगह पे लिखी हुई हैं, तारतम ज्ञान के उजाले में, जो साहिदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर, राजी के आदेश से तारतम ज्ञान के नूर में, उनके उजाले में सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियों का सारे न्यूज़लेटर भेजे थे राजी ने। इस तरह से गॉड आएगा, अपने कंपेनियंस के साथ आएगा, इस तरह से मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने तो इत्रे हिना की खुशबू भी उनके केशों से आती हुई, मेरी सुगंधी, मैंने उसकी सुगंधी ली है। तो सारी साक्षियों का एकीकरण जो हुआ है, वाहेगुरु जी भी उसी तरफ इशारा करते हुए, और हिंदू धर्म ग्रंथ भी, चाहे वो श्रीमद भगवद गीता हो और चाहे वेदों की बात हो, सारे मेरे धनी की ओर इशारा करते हुए सबकी कुंजी अब मिल चुकी है। कोई ऐसा भेद किसी भी ग्रंथ में नहीं है जो श्री तारतम वाणी से ना खोला जा सके। दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ सुंदर साथ जी। हमारी जो श्री कुलजम वाणी है, उनको यदि कोई नाम देना, कुछ कहना हो, कुलजम वाणी ही है वो, श्री तारतम वाणी है, पर दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि यूनिवर्स भी यहीं का है, ब्रह्मांड भी यहीं का है, हमारा यूनिवर्स तो कोई और है, हमारा तो परम धाम का ब्रह्मांड है, तो यूनिवर्सल भी नहीं। दी एब्सोल्यूट ट्रुथ इज श्री तारतम वाणी, जिससे सारे धर्म ग्रंथों के भेदों को खोला जा सकता है। हके भेजा मोमिनों पर, ये क्यों अब बीच में ये प्रकरण दे दिया, दीप बंदर जाने वाले थे श्री जी, बीच में कहते हैं पहले देख तो लो हाउ स्पेशल यू आर। तीन सृष्टियां मैंने बनाई, अपने दिल के करीब मैंने तुम्हें रखा हुआ है, हर पल हर घड़ी तुम्हें अपने चरणों में बिठाया जरूर है, पर बिठाया तुम्हें मैंने अपने दिल में हुआ है, तो हाउ स्पेशल यू आर, फर्स्ट फील दैट। तो वो स्पेशलिटी अपने हृदय में पहले फील कीजिए, फिर दीप बंदर लेके चलूंगा, फिर जागनी यात्रा की शुरुआत होगी सुंदर साथ जी। जयराम कंसारा जी से जब पहली आत्म उनको मिलती है, जागनी यात्रा की शुरुआत से पहले हमारे दिल में पैठ कर रहे हैं धनी जी, और कह रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी विशेषता और कितनी बड़ी गरिमा मैंने तुम्हारी इस ब्रह्मांड में बनाई है। हके भेजा मोमिनों पर, पैगंबर जो आखिरी आखिरी पैगंबर कौन से हैं सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब कहते हैं पैगंबर भेजे सो लिखी हकीकत कुरान में। उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आए सुंदर साहब जी, कोई संदेश वाहक नहीं भेजे गए, सो लिखी हकीकत कुरान में
ब्रह्म सृष्टि, बड़ा प्यारा सुंदर सा जी, एक एक शब्द श्री बीतक साहब का हृदय को चीर के निकल भी नहीं पाता, वहीं धस जाते हैं। ये सारे तीर राज जी ने बनाए ही ऐसे हैं। कहते चीर के निकल गया ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तीर त्रिगुड़ा बनाया, तीन कोनों वाला, जो बाहर भी ना निकल सके, वहीं धस जाए और उसमें से इश्क का रस बहता रहे, बहता रहे। और उस रस की सुगंधि, आज बाय चांस ऐसा कुछ प्रकरण बना कि मैं कुछ रस ढूंढ रही थी गूगल में से किसी प्रकार का, तो रस का अर्थ हमारे स्वामी जी श्री राजन स्वामी जी क्या बोलते हैं, आनंद होता है। रंग का अर्थ प्रेम होता है। तो हिंदी की व्याकरण में सुंदर साहब जी रस को आनंद ही बोला जाता है। आज ही मुझे पता लगा हमारी श्री मुखवाणी में भी रस को श्री राजन स्वामी जी ने आनंद करके बोला, बोलते काव्य रस। काव्य रस था वो, काव्य यानी कविताओं में से जो रस बहता है, कविताओं से जो अंदर आनंद मिलता है ना उनको सुनने से। ये नॉर्मल कविताएं नहीं है सुंदर साहब जी, सूफी कविताएं जो होती है ना, जो फकीरों के दिल से निकला करती हैं, कबीर जी के हृदय से जो ये जो दोहे निकले हैं उनके रसों के बारे में ये बात हो रही थी। तो ये जो आनंद हमें इन चौपाइयों को पढ़ के जो रस धारा हमारे अंदर बहनी चाहिए ना, उसको रस बोला गया। और यहाँ पे पता है क्या लिखा है, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। कितना सुंदर लिखा है, ब्रह्म सृष्टि दिल में धरेगी, इसको अपने दिल में कौन बसाएगा ये, बाकी तो इन सब सारी संकीर्णताओं से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर ये जन्म ऐसे का ऐसा ही निकल जाएगा, जो जीव सृष्टि होगी, ब्रह्म सृष्टियों के भी निकले हैं क्योंकि जीव यहीं के लगे हुए हैं। पर अब ना जाति पाति, ना भेदभाव, ना कोई धर्म अलग, ना कोई संप्रदाय अलग, सुंदर साहब जी हमारा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, क्योंकि हम धनी की अंगनाएं हैं। सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने की गरिमा हमें दी है सुंदर साहब जी। तो इनको पूरे परिवार की तरह प्यार नहीं करना चाहिए, सारे ब्रह्मांड को प्रेम ही प्रेम की तरंगे। पर धनी जी की ये जो हकीकत है ना, वो ब्रह्म सृष्टि दिल धरी, तो हमें दिल में धरनी है उनकी हकीकत। दिल में धरते धरते, बसाते बसाते, कैसे मारिफत तक, और कैसे मारिफत क्या होता है आपको याद है ना सुंदर साहब जी, बीतक साहब, मेहर सागर, श्री मुखवाणी की कोई भी चौपाई, सारी जुड़ी हुई है आपस में, कड़ियों से कड़ियां ऐसे उलझी नहीं कहूंगी, ये कड़ियां उलझी नहीं हुई, कड़ियों से कड़ियां ऐसे सुलझी हुई है, इतनी सुंदर है कि जब वो मिलती है ना तो इतना आनंद हृदय में आ जाता है सुंदर साहब जी। जैसे जैसे दिल में धरेंगे, तो हकीकत दिल धरी लिखा है यहाँ पे, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। हकीकत को दिल में धरेंगे तो मारिफत यानी के श्री राज जी का नख से शिख तक का स्वरूप, श्री मेहर सागर में आया था वो, तो वो सारा दिल में अपने आप आ जाएगा, आ चुका है, हमें दिखाई देने लग जाएगा सुंदर साजी। और फिर मारिफत की भी, मारिफत कौन है, उनका हृदय, जिससे सारी लीला चलती है सुंदर साजी। अभी तक तो यही सुनते आए हैं कि उनके दिल से चलती है, अब आगे आगे देखिएगा कि सागरों के वर्णन में दिल से चलती हुई लीला को, राज्जी से चलती हुई लीला को ऐसा लगता था महाकारण राज्जी हैं। आगे जाके क्या कहेंगे सुंदर साहब जी, कितना लाड वो उड़ेलेंगे, ऐसा लगता है कि इतना भर गया है कि अभी अभी आपको बता दिया जाए, पर नहीं, सागर ग्रंथ में जाकर ही उनको बताएंगे। श्री राज्जी, अल्लाह ताला ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए आखिरी पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब को भेजा, सारी वास्तविकता कुरान में लिख भी दी, ब्रह्म सृष्टियों ने तो अपने हृदय में बसा लिया है, उनके लिए कोई फर्क नहीं है,
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, सुंदर साथ जी, सब मेरे पिया के बनाए हुए और सबने अखंड हो जाना है इस बार तो। उनो आगू लिया दिल में, आमे भी रूहे बीच इंसान। बहुत ध्यान से सुनना है, उनो आगू लिया दिल में, क्या दिल में ले लिया राजी ने, इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद साहब ने, वो भी कौन है, धनी जी ने ही भेजे हुए हैं सुंदर साथ जी, और मोहम्मद साहब को यानी अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को जब मूल मिलावा में प्रवेश कराया, जमुना जी से उस पार लेकर गए चांदनी चौक तक, तो वो रोज आते ही थे, आज चांदनी चौक से भी जब उनको आगे लेकर चले गए तो फिर वो मोहम्मद साहब नहीं रहे, फिर तो धनी जी ने अपना इश्क उनको देकर आगे जरूर लेके गए। स्वरूप एक ही है पर लीला दो ही रहती है, उनके अंदर इश्क जरूर डाल दिया सुंदर साहब जी, पर मूल मिलावा में जाकर भी मोहम्मद साहब सामने खड़े हैं, सिंहासन पे अभी भी मूल स्वरूप ही बैठे हैं, है इश्क उनके अंदर भी पर लीला रूप में अभी भी वो एक दूसरे व्यक्ति के रूप में सामने खड़े हैं, अभी भी सिंहासन पर मोहम्मद साहब नहीं बैठे हैं, सिंहासन पर मूल स्वरूप ही बैठे हैं, इसीलिए वैसे तो श्यामा जी उनके बाईं तरफ हैं, पर मोहम्मद साहब सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं देख तेरी दाईं तरफ श्यामा बैठी है। तो सुंदर साहब जी कैसी हिकमत उन्होंने की है, अति सुंदर, मोहम्मद साहब ने अपने दिल में पहले से ले लिया था, दसवीं सदी में परम धाम की आत्माएं आवे रूहे बीच इंसान, पहले से ले लिया था सुंदर साहब जी, पहले से अपने हृदय में ले लिया था कि इंसानों के बीच में यहाँ पर ये आएंगी, इंसानों यानी जीव सृष्टि में जीव लेकर भी यहाँ पर आएंगी, वो तो पहले से ले लिया, कहलवाया हमसे है कि नहीं नहीं तीन बार मांगो ना, तीन बार दिखाऊंगा, कितने प्यारे प्राण पिया, क्योंकि उनको पता है दो बार में लाड पूरा दे नहीं पाऊंगा, तीसरी बार खेच कर रखना पड़ेगा, क्योंकि लाड है इतना सुंदर साहब जी, दुख का खेल नहीं खींचा हुआ ये, उनका लाड खत्म ही नहीं हो सकता, खत्म हो ही नहीं रहा, इतना भर के लाए हुए हैं, जब तक पूरा अपने अंदर हम समा नहीं लेंगे, दिल में धर नहीं लेंगे ना, उसके बिना प्राण प्यारा ले जा नहीं सकता हमें अपने साथ, तो पूरा का पूरा लाड सींच रहा है वो अपनी नजरों से, तो ले लीजिए सुंदर साहब जी दिलों को उस लाड से, उस प्रेम से भिगो लीजिए, जब वो प्रेम उसमें से टपकने लग जाएगा ना, इतना भीग जाता है कि उसके बाद उसमें डालो ना तो टपकता है, वो समा नहीं पाता, तब तक हम घर वापस नहीं जा सकते, और उसके बाद ही एक दिली उसके पहले ही आती है, फिर ऐसे होने लग जाता है, तो एक दिली भी होगी और साथ ही साथ प्रेम को लेकर देना भी शुरू करेंगे ना, धनी की मेहर से एक रू से दूसरी रू में प्रेम जाने भी लग जाएगा ना, उस समय धनी हमको वापस ले जाएंगे, तो पहले ही अपने हृदय में ले लिया, एक खेल किया इनो वास्ते, इनो कौन है, हमारे वास्ते सुंदर साहब जी, और मेहर का उत्सव अपने दिल का उत्सव मनाने आए हैं, यहाँ पर दिल की निधियों का उत्सव मनाने आए हैं, इनो वास्ते ये खेल किया, जाने इनको आवे ईमान, इनको एक बार ब्रह्म पर ईमान कब आएगा, जब ये सारे इशारों को, सारे संकेतों को जो धर्म ग्रंथों में दिए हुए सारे मेरे पिया की ओर इशारा कर रहे हैं, जब हम समझ जाएंगे सुंदर साहब जी, पूरा ईमान पक्का होता है उससे, जब कोई सुंदर साथ प्रवाही से आते हैं जिन्होंने धनी के बारे में कभी नहीं सुना होता, वो वैसे ही कोई पूजा किन्नी को मान रहे होते हैं पहले, तो उनका ईमान दृढ़ तभी होता है जब उन्हीं के धर्म ग्रंथों में पिया जी की बात उनको मिल जाती है, मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करें ईमान बका मजकूर, अक्षर ब्रह्म कौन है, हक के नूर है, श्री राज जी के नूर अंग हैं, सत अंग हैं, नूर अंग हैं, और ये सारा जगत अक्षर ब्रह्म जी के आदेश से ही तो बना, यानी उनके नूर का भी नूर है ये, मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, उनके भी नूर से ये ब्रह्मांड बना, चाहे कायम तिनको करें
ईमान बका मजकूर, आखिरी मोहम्मद हक्की सूरत श्री प्राणा जी इस संसार में सबको कायम कर देंगे। सुंदर साहब जी, किससे किस प्रकार का द्वेष, कौन सी ईर्ष्या, सबने कायम हो जाना है। और ये नहीं सोचना कि हम तो पहली बहिष्त में जाएंगे, नो गारंटी, सॉरी नो गारंटी, पिछले जीव हम लेकर आए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गो इन द फर्स्ट बहिष्त, वो पहली बहिष्त में नहीं जाएंगे जो हम लेकर छोड़ आए हैं। तब भी शायद हम यही कहा करते होंगे कि हम तो पहली में जाएंगे, तो वो जीव नहीं गया। सुंदर साहब जी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये जीव पहली बहिष्त में नहीं जा सकता। केवल हमने मोहर लगा के घर में रख लिया, ट्रेवल तो की नहीं सुंदर साहब जी, फ्लाइट तो ली नहीं, बस वहां पे मोहर लगा के पासपोर्ट जेब में रख लिया और वहीं बैठे चेयर पे बैठे बैठे सोचते रहे कि अरे इस बार तो वहां जाएंगे, इस बार वहां जाएंगे, फ्लाइट आई उड़ भी गई और पता ही नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए सुंदर साहब जी, अलार्म लगा के बैठना है, कहीं सो ना जाए वहीं पर ही, ये ठप्पा लगा के ही सो जाए कि हम वहां पे हैं, वहां के हैं, वहीं जाएंगे। नहीं सुंदर साहब जी, वो तो राज जी ने निस्बत का तो दे दिया है अंदर, सबके अंदर अंकुर धनिका है, हमें ये सोचना ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, पर जो जो प्रेरणा पिया अंदर उपजा रहे हैं, ब्रह्मवाणी से यदि अभी भी दूर रहते हैं, चितवन से यदि अभी भी दूर रहते हैं, सुंदर साथ से प्रेम करने में यदि अभी भी पीछे रहते हैं, तो फिर कोई गारंटी नहीं है सुंदर साथ जी, रहनी में करनी में रहनी में तो आना पड़ेगा, उसी के मुताबिक ही कृपा होगी और मेहर होगी धनी जी की। अखंड परम धाम पर विश्वास दिलाकर प्राणा जी किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं सुंदर साहब जी। अरे वाह, मोहम्मद के भी नूर से ये ब्रह्मांड बना, अति सुंदर। पैगंबर का माजजा, माजजा क्या होता है सुंदर साहब जी, चमत्कार। प्राणनाथ जी जो पैगंबर आए हैं ना, उनका ये चमत्कार है। देवे सबो ईमान, सबको पार ब्रह्म के प्रति पक्का अटूट ईमान दिलाना, आज नहीं तो कल। पहले वेट किसकी हो रही है, अब देखो लाइन तो बहुत बड़ी लगी हुई, पर वेट चीफ गेस्ट्स की हो रही है सुंदर साहब जी, मुक्ति के लिए तो पूरी लाइन लगा रहे हैं, कहते हैं इनको तो बाद में भी बुला लिया जाएगा, जीव सृष्टि को पहले ब्रह्म सृष्टियां तो आ जाए, पहले अगर सबको पहचान दे दी तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर जगह बनानी पड़ेगी ब्रह्म सृष्टियों को आगे लाने के लिए, तो प्रायोरिटी हमें दी जा रही है सुंदर साहब जी। ब्रह्मवाणी हमारे अंदर क्यों आ रही है, पहचान हमें क्यों हो रही है पहले, ताकि क्योंकि खेल बनाया ही हमारे लिए गया है, और जब लेकर चलना है तो हमें, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साहब जी कि जैसे ब्रज में छोटी प्रलय करके पहले ही ले गए थे ना धनी जी, यहाँ की महाप्रलय भी देखने नहीं देंगे, कोई छोटी प्रलय करके, ये छोटी छोटी प्रलय ही हो रही है सुंदर साहब जी, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है ना, दुनिया खाने को ऐसे लगता है कि उठ उठ खाने धाए, तो वो उसकी छोटी प्रलय तो हो जाती है, वो स्थित हो जाता है उनके चरणों में, वो आत्मा स्थित हो जाती है, छोटी सी प्रलय देखकर ही वो तो पन्ना जी में उनकी तरहटी में चली जाती है। तो ये छोटी प्रलय को ही सहन करके यदि हम आज इसी तन में उनके चरणों में पहुंच जाए ना, तो सुंदर साहब जी इसको इतना दुख नहीं सहना पड़ेगा। यदि महाप्रलय का हिस्सा बनना पड़ा तो बहुत त्राही त्राही मचेगी, बहुत विश्व युद्ध होंगे, तो इसलिए आज अभी समय है कि उनके चरणों में जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी जाए। तो ये छोटी प्रलय में ही क्या दुख है सुंदर साहब जी, छोटे छोटे से दुख है, जब प्रलय होती है ना तो भयंकर त्राहिमाम होता है, उसके सामने तो ये माया के दुख कुछ भी नहीं है। तो इसी में अभी समय निकाल कर तैयारी प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए फाइनल एग्जाम की, ऐसा ना हो कि वो फाइनल एग्जाम आ जाए और हमारी कोई तैयारी ही ना हो। एक सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, एक दीन दुनी कर किए जाहिर सातों निशान, क्यामत के सातों निशानों को एक सत्य धर्म की स्थापना करके जाहिर करेंगे, और वो सातों निशान कौन से हैं, वो श्री बीतक साहब में आएंगे सुंदर साहब जी, एक एक निशान को
बहुत गहराई से हम सब सुंदर साथ करेंगे, ताकि किसी से भी बात भी करनी हो तो कम से कम हमें तो पता हो कि वो सातों निशान कौन से हैं। रू अल्लाह की आवसी खोलने बका द्वार। 10वीं सदी के अंत में श्यामा जी रू अल्लाह इस संसार में आएंगे, और वो आए भी सुंदर सा जी 1638 में, खोलने बका द्वार, परम धाम का दरवाजा खोल देंगे, अलौकिक ज्ञान सुनाएंगे परम धाम का। अंत सदी दसवीं के सब होए बार ही कार गुजार। 12वीं सदी में ज्ञान के प्रकाश होने का सारा कार्य हो जाएगा, यानी कि प्राणनाथ जी के तन से और फिर छत्रसाल जी के माध्यम से भी जागनी लीला का बहुत सुंदर पसारा प्राणनाथ जी के तन से में मिलावा रूहन का, कहे गाजियों मिसल सोई, होवे खिलवत खाना जाहिर। क्या है खिलवत खाना सुंदर साथ जी? मूल मिलावा, बका पहचान सबों होई, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को धर्म पर मिलावा रूहन का, कहे मिसल गाजियों, हमने पढ़ा था ना, रू अल्लाह मिसल गाजियों, मोमिन उतरे तब, कहे गाजियों मिसल सोई। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही मिसल गाजियों क्या होता है सुंदर साथ जी? धर्म पर समर्पित होने वालों का समूह होता है वो, तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को कहा जाता है। अच्छा, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को कहा जाता है धर्म पर सर्वस्व समर्पित करने वालों का, तो क्या हम हैं वो सुंदर साथ जी? धर्म पर सारा कुछ जो समर्पित कर दें, तो क्या हम वो समूह बन पा रहे हैं? उस समूह का पार्ट बन पा रहे हैं? उस समूह को लीड करने वाले हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, हमारी श्यामा जी, हमारी इंद्रावती सखी, आगे सारे परमहंस, क्या हम इस समूह का पार्ट कहलाने के लायक बन पा रहे हैं सुंदर साथ जी? मिसल गाजियों कहना तो बहुत आसान है, मोमिन उतरे तब, पर मोमिनों के लक्षण क्या होते हैं? धर्म पर अपना एक एक रोम न्योछावर कर देना सुंदर साथ जी, अपने धनी जी के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी चितवनी के लिए, उनकी बात करने के लिए एक दूसरे से अपना रोम रोम उनके ऊपर न्योछावर कर देना, वो होते हैं मिसल गाजियों का समूह। तो हमें भी शामिल होना है, जब तक हम शामिल नहीं होंगे वो मिसल गाजी जो इकट्ठे हो चुके हैं पन्ना जी की तरहटी में, वो भी जा नहीं पाएंगे, इंतजार कर रहे हैं, वो तो बहुत आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं वहां पे महामती जी से, वो तो अनंत आनंद में है सुंदर साह जी, अखंड आनंद में वहां पर भी हैं, पर अंदर ही अंदर एक तो उनके भी इंतजारी तो होगी कि ये कब आएंगी और कब हम वहां चले जाएंगे। यहाँ के धाम हृदय में तो वो आनंद ले रहे हैं महामती जी के धाम हृदय के थ्रू, हम भी ले सकते हैं, तो हो सकता है वो इंतजारी, वो इंतजार मेरा ही हो रहा हो। हर सुंदर साथ सोचे, क्या पता मेरे इंतजार में ही, क्या पता मैं ही लास्ट हूं और मेरी ही कमी रह गई है, तो आज से ही सुंदर साथ जी तैयारी शुरू करनी है इस समूह में शामिल होने की। होवे खिलवत खाना जाहिर, मूल मिलावे का ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा, वो फैलने दे नहीं रहे हैं अभी, श्री बीतक साहब में चौपाई आएगी ये सुंदर साथ जी, कि वहां पर भी जीव सृष्टि को थोड़ा सा ज्ञान ना चाहते हुए भी रिस गया, उनकी तरफ चला गया, अभी जब धनी चाहेंगे ना एक सेकंड में पूरी जीव सृष्टि को उठा देना उन्होंने, पर अभी भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाह रहे हैं वो सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हमें रखा हुआ है, प्रेम ही इतना करते हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा इधर उधर पता लग जाता है तो अलग बात है, पर खींच वो हमें रहे हैं सुंदर साथ जी, जिससे ब्रह्म सृष्टियों की जागनी होगी, और साथ में हमारी परीक्षा कसौटी भी चल रही है कि कितना तुम मुझे जाहिर करती हो। मैं तो एक सेकंड में कर सकता हूँ, मेरे तो अक्षर ब्रह्म के बाएं हाथ का खेल है ये, उनको तो आंख भी नहीं लानी पड़ती, बायां हाथ तो बहुत बड़ा होता है सुंदर साथ जी। कहते हैं एक चौपाई आई थी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कि उनकी आंखों के संकेत मात्र से, और कहते ये भी अलंकारिक रूप में लिखा हुआ है कि संकेत किया, उनको वहां परम धाम में संकेत भी नहीं करना पड़ता,
दिल में, जैसे धनी के दिल की इच्छा होती है ना, उनके हृदय में आते ही बन जाता है, उनको संकेत आंख की पुतली भी नहीं हिलानी पड़ती। सुंदर साथ जी, बायां हाथ तो बहुत बड़ा होता है, तो दिल के संकेत मात्र से इतने बड़े ब्रह्मांड बन जाते हैं। यहाँ कोई जागनी उनके लिए मुश्किल है? ये जीव सृष्टि को सुध देनी तो बहुत आसान है उनके लिए, ब्रह्म सृष्टि को फोर्सफुली उन्होंने लेकर नहीं जाना कि जबरदस्ती हो गया खेल, नहीं, पूरी लाड की पहचान देकर, पूरा प्रेम देकर उनको लेकर जाना है। बस इस बात की वेट हो रही है। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूल चूक साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए अति सुंदर अर्जी हमारी गंगा बेन के मुखारविंद से। प्रणाम जी गंगा बेन। प्रणाम प्रणाम जी गंगा बेन। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सज्जनी मेरा कोटान कोट प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में, अर्ज करू मेरे पीयू जी, हम जैसे तुम जीने करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समरथ दीन, रही न जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखू निके कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर जी, ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जीने जी, खेन खेन खबर जो लीजियो में, अर्ज करू दिले ही ने जी, इति अर्ज में तो करू पिया, जो आड़ी बाए अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, जय हास विलास जी, वरण जय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में
दोलहिने पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुख दाता दाम दानी में क्या कहो किन सो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता दाम दानी में क्या कहो किन सो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, अंगना बलि बलि जात जी, श्री श्यामा जी को स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी नाम, मैं बंदी अब गुण भरी तुम गुण भरे निदान, अरस दिल को सजदा करू वाहिदत को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी को कोटान कोट प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी को कोटान कोट प्रणाम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दाम के धनी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्रणाम सुंदर साथ सर्व सुंदर साथ ने मारा कोटान कोट प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम जी, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत सुंदर अति सुंदर, मुझे सरकार श्री जी की जो अपने मुख से वो जयकारा लगाया करते थे ना, उसके बाद जब ये पढ़ा करते थे वो मुझे वो आवाज गूंज रही थी, आज जब ये बोल रहे थे ना आप अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी सुंदर साहब जी आइए श्री मेहर सागर की ओर चलते।